इससे पहले कि मैं अगले रिग्रेट पे जाऊँ, मुझे एक चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा होता है और वो ये कि अगर आप मेरे पुराने शोज़ उठा के देखें तो मैं इतनी कॉन्टोर करती थी, ब्राउन कलर से दाढ़ी बनाती थी पूरी ये, और मैं पुरानी तस्वीरें देखती हूँ, वो अजीब सी यार, मुझे इतना कॉम्प्लेक्स था अपने गोल मुँह का, इतना कॉम्प्लेक्स था कि मैं कहती थी शायद कॉन्टोर करूंगी तो कम हो जाएगा, नहीं होता। प्यारा आई लव माय गोल मुंह। उस गोल मुंह की वजह से मुझे अब सुने, मैं 50 की नहीं हूँ, गूगल पे गलत लिखा हुआ, अच्छा अल्लाह की कसम मेरी अम्मी अब्बू की शादी भी नहीं हुई थी उस वक्त, हाँ तो मैं कैसे पैदा होती, इनको तो पता है बिल्कुल पता। तो जो मैं क्या कह रही थी, हाँ मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि किसी गोल मुंह वाली बात करती, तो उस गोल मुंह की वजह से मैं अब अपने बच्चों के साथ खड़ी होती हूँ तो मैं उनकी दोस्त लगती हूँ। हाँ, और क्योंकि ये गोल मुंह अब पता चलता है, हाँ हाँ उमर चोर मुंह काम आता है। हाँ, जी चाइल्डिश। तो मैं सारी जिंदगी कॉम्प्लेक्स का शिकार रही अपने गोल मुंह को लेकर। टीवी पे क्या लग रही है आप इस वक्त? और जो इस कॉन्टोर था वो मैं शेव दाढ़ी बनाती थी, ब्राउन कलर का गंदा वाला डार्क ब्राउन कलर, काला रंग का, ये करती थी। और उसमें मेरी शक्ल इतनी बुरी आ गई। मैंने तो इतनी डाइटिंग की कि मेरा गोल मुंह पतला हो जाए, मज्जा वाले मुंह को कोई फर्क पड़े यार, डाइटिंग भी बंदा कर ले आपकी ये चीज खत्म हो जाती है। डबल चिन नहीं आती, लेकिन बाकी आपका स्ट्रक्चर नहीं चेंज हो सकता, इट्स अ बोन स्ट्रक्चर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट द गोल मुंह। तो जो जितने भी लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार है, मैं उनको कहूंगी खुश हो जाए अल्लाह मियां ने जो आपकी मोटी नाक बनाई है, आप की चेहरे को रखते हुए बनाई, बिल्कुल सही बात, जो अल्लाह ने दे दिया। सो आपको मेरी बेटी की खड़ी नाक है ऐसी खूबसूरत, जैसे उसको मेरी मोटी नाक मतलब गोल नाक पसंद है। कहती है आजकल फैशन से बहुत फर्क पड़ता है, द बटन नोज इज इन आजकल, ना आजकल नाक से वाकई बहुत फर्क पड़ता है। नाक अगर प्यारी हो तो आपका चेहरा अच्छा लगता है। मेरा जो बेटा, जिसकी नाक अच्छी नहीं होती मुझे नहीं, मेरा